ये आपके बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट है, अगर मैं पूछूं हार्डेस्ट केमिकल। एनुअल बॉडी में हार्डेस्ट केमिकल कौन सा है? क्या 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 क्या? अरे इतना तेजी बोलो। अच्छा चलो ठीक है, केमिकल हटा लो, हार्डेस्ट सब्सटेंस बता दो। बात तो एक ही है ना, केमिकल बोलो सब्सटेंस बोलो एक ही चीज है। दांत में क्या पाया जाता है? इनमें इनेमल। मतलब आप लोगों का पढ़ने लिखने की तरफ रुझान नहीं है, क्या करते हो दिन भर? लिख दो स्टडी ऑफ बोन इज नोन एज ऑस्टियोलॉजी। OSTEOLOGY। स्टडी ऑफ बोन्स इज नोन एज ऑस्टियोलॉजी। उसको भी लिख दो अगर लिखना है तो। वैसे डाइजेशन वाले चैप्टर में हो सकता है, बता दूं मैं जब टीथ पढ़ाऊंगा, बट आप लिख सकते हो कि जो हार्डेस्ट सब्सटेंस इन एनिमल बॉडी। ओवरऑल कौन सा हार्डेस्ट है सब्सटेंस ओवरऑल? स्पोरोपोलिनिन का नाम सुना है? कहाँ पाया जाता है? ओ सर, आज कौन सी तारीख है? मैं वैलेंटाइन डे की बात नहीं कर रहा हूं, आप फेब का मतलब ये नहीं होता है। एग्जाम आपका अप्रोक्सीमेटली जुलाई में है, वो भी आप जुलाई ना ही मानो तो अच्छा रहेगा। क्योंकि लास्ट वीक ऑफ जून भी हो सकता है, ठीक है? मतलब इससे बहुत ज्यादा फासला नहीं। हाँ याद आ गया क्या? अच्छी बात है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे लिख दो स्टडी ऑफ बोन इज नोन एज ऑस्टियोलॉजी, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन एनिमल वर्ल्ड। वो है आपका इनेमल। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बोन से, पहले लिख देते हैं जो टिश्यू है बोन, ठीक है? इस बोन टिश्यू में आपको कितने पार्ट देखने को मिलेंगे? एज यूजुअल सेल्स, फाइबर, मैट्रिक्स, ठीक है? ये मिलेंगे। सेल्स में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, सेल्स में क्या मिलेगा आपको? प्रोजेनिटर की स्पेलिंग स्पेल करो जरा, प्रोजेनिटर को आई है, एन आई है। रहन दो, अब चार लोग मिलके बताओगे मुझे क्या सुनाई देगा। बोन है ना, ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियो वैसे ही है जैसे आपने कहां पे पढ़ा है, कार्टिलेज में, ठीक है?
ये सेल्स मिलेंगे। तो आपको मैंने पहले बताया था जहां पे ब्लास्ट मिल जाए दैट मीन्स कि किसी चीज के सिंथेसिस से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये ओस्टियोब्लास्ट बेसिकली बोन फॉर्मिंग सेल है, बोन फॉर्मिंग सेल। बोन फॉर्मिंग सेल्स, ठीक है, ये इसको बोलते हैं बोन सेल। तो ध्यान रखना, जैसे मैंने कार्टिलेज में भी आपको बता दिया था, ठीक है, कि ब्लास्ट बोन फॉर्मिंग सेल है और ये जहां पे साइट लगा है मतलब वो बोन की सेल है, मतलब बोन में वो सेल्स आपको ज्यादा अमाउंट में दिखेंगी। और कहां से बनती हैं? ओस्टियोब्लास्ट से बनती है, ठीक है। साथ में ओस्टियोक्लास्ट, ये कैसी सेल्स हैं? जहां पे क्लास्ट टर्म लगा हो, ये क्लास्ट का मतलब है ये फैगोसाइटिक सेल्स है, ठीक है, ये आपकी फैगोसाइटिक सेल्स। तो ये सेल्स आपको मिलेंगी, फाइबर्स में भी प्रेजेंट और एब्सेंट। ज्यादा ध्यान नहीं देना फाइबर्स पे, हमको ध्यान देना है किस पे? अब मैट्रिक्स पे। इसका मैट्रिक्स स्पेशल है थोड़ा सा। जनरली आपको मैंने पहले बताया था कि मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट होता है, हेलुरोनिक एसिड। तो ये प्रेजेंट रहेगा बट इसकी अमाउंट कम रहेगी, ठीक है। मेन आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, कौन सी प्रोटीन? ऑस्टिन। ऑसिन है, नॉट ऑस्टिन। हार्डेस्ट प्रोटीन, और इसका अप्रोक्सीमेटली 30% या 32% कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। इसके साथ में कुछ साल्ट्स प्रेजेंट होंगे, मैं नीचे साल्ट लिखता हूं, कुछ साल्ट प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब साल्ट में आपको दो टाइप के साल्ट देखने को मिलेंगे, कौन कौन से? एक आपके कैल्शियम के जो फॉस्फेट है, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट प्लस मैग्नीशियम के जो फॉस्फेट है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, CA3 ये गलत है, यहाँ पे साथ CA3PO4 बस ये, ठीक है, बाकी इसको देख लेना है आप। मैग्नीशियम फॉस्फेट, ये भी वैसे ही होगा। तो ये जो है ना, ये वाला जो साल्ट है फॉस्फेट वाला, ये 80% कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। इसके अलावा आपको कैल्शियम कार्बोनेट दिखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट कितना कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब साल्ट में बता रहा हूं, साल्ट में 80% ये कंट्रीब्यूट करेगा, रिमेनिंग कार्बोनेट कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना यहाँ पे ओसिन प्रोटीन प्रेजेंट है, साल्ट उसके साथ में प्रेजेंट है और हेलुरोनिक एसिड प्रेजेंट है मैट्रिक्स में। इसके पहले मैट्रिक्स में आपने ज्यादातर क्या देखा था? हेलुरोनिक एसिड, जो कि एक पॉलीसेक्राइड है। किस टाइप की पॉलीसेक्राइड है, होमो या हेट्रो? हेट्रोपॉलीसेक्राइड। तो ये मैट्रिक्स हो गया। आइए जरा सा स्ट्रक्चर देखते हैं बोन का, स्ट्रक्चर। तो एक लॉन्ग बोन देख लेते हैं हम, लॉन्ग बोन, ठीक है। तो लॉन्ग बोन में देखो, मेरे से पिक्चर बहुत अच्छा एक्सपेक्ट मत करना, मैं पहले बता दे रहा हूं। ओके, तो यहां पे आपको इसमें कई सारे पार्ट नजर आएंगे लॉन्ग बोन में। कौन कौन से पार्ट नजर आएंगे? ये जो इधर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं क्या? एपिफाइज। इसको भी क्या बोलते हैं? ये जो पार्ट आपको देखने को मिलेगा ये, ठीक है, इसको भी क्या बोलेंगे? मतलब एंड जो है वो एपिफाइसिस कहलाएगी, ठीक है। और ये जो बीच वाला पार्ट है ये आपका क्या कहलाएगा? डायफाइसिस, ठीक है। और अगर बोन मेच्योर अभी नहीं हुई है, बोन को मेच्योर होना बाकी है, तो एपिफाइसिस और डायफाइसिस के बीच में, यहां पे भी सेम चीज, यहां पे भी सेम चीज, आपको दो और मतलब एक और रीजन मिलेगा जिसको बोलते हैं मेटाफाइसिस। यहां पे भी लिख लो, लिखना चाहते हो तो
मेटाफाइसिस, ठीक है? तो मेटाफाइसिस प्रेजेंट ओनली इन इमेच्योर बोन या यंग बोन लिख सकते हो। ओके, अब इतनी बात हो गई। यहां पे आपको कुछ टिश्यूज मिलेंगे जिनको ट्रेबिकल बोलते हैं, ठीक है? यहां पे भी सेम चीज होगा आपका। ठीक है, यहां पे आपको इस तरह से ट्रेबिकल नजर आएगा। और ट्रेबिकल एक्चुअली फिल्ड विद किससे भरा हुआ है, बताओ? येलो बोन मैरो या रेड बोन मैरो? अब तो बता ही दोगे, रेड बोन मैरो, दोनों में, ठीक है? दोनों में, यहां पे भी, ये भी ट्रेबिकल। अब ये जो बीच का पार्ट है बेसिकली डायाफाइसिस वाला, ये थोड़ा थिक होता है, इसको थिक कर दो इस तरह से। इसी की वजह से तो आपके बोन में कॉम्पैक्टनेस आती है, मजबूती आती है, ठीक है? तो ये बेसिकली आपका क्या है, ये कॉम्पैक्ट सॉलिड पार्ट है। ओके, और ये जो है इसको बोलते हैं बोन मैरो। ये एक्चुअली क्या है, कैविटी है डायफाइसिस की, डायफाइसिस की कैविटी है जिसको बोन मैरो बोल रहे हो। और ये किससे भरा हुआ है, येलो बोन मैरो से, ठीक है? येलो बोन मैरो से। तो ध्यान में रखना ये जो डायफाइसिस की ये बीच की जो कैविटी है, ठीक है, जिसको बोन मैरो बोल रहे हो, ठीक है? या आप इसको, ने गलत लिख दिया बच्चे, बोन मैरो नहीं, मैरो कैविटी, नॉट बोन मैरो, दिस इज मैरो कैविटी, ठीक है? और ये मैरो कैविटी इज फिल्ड विद द येलो बोन मैरो। तो ये आपको इस तरह से तीन पार्ट देखने को मिल जाएंगे। लॉन्ग बोन की बात कर रहा हूं, मैंने पहले ही लिख दिया था कि मैं लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर बता रहा हूं आपको। टाइप्स ऑफ बोन जानते हो? चलो बाद में बता दूंगा, हालांकि पार्ट है नहीं है आपके उसका, पर फिर भी एक बार थोड़ा सा मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे लिख दो, ये जो लॉन्ग बोन है आपका, लॉन्ग बोन में आपको थ्री पार्ट्स नजर आएंगे, ठीक है? एक आपका है एपिफाइसिस, दूसरा है आपका मिड जो है मेटाफाइसिस, एंड तीसरा पार्ट है आपका डायाफाइसिस। और इसको मैंने पहले लिखा रखा है कि अगर बोन मेच्योर हो तो ये मेटाफाइसिस आपको वहां पे एब्सेंट दिखेगा, ठीक है? वहां पे एब्सेंट दिखेगा। अब सपोज करो आपने इसका सेक्शन काट दिया, ये डायाफाइसिस वाले रीजन से इसका सेक्शन काट दिया, ठीक है? तो सेक्शन काटने पे आपको क्या क्या नजर आएगा वो देखो, वही सारे पार्ट आपको नजर आएंगे जो आपने पहले देख रखे हुए हैं, ठीक है? कौन कौन से? ये रेटिकुलर टिश्यू है, ये वाला आपका पेरिओस्टियम है। यहां पे थोड़ा सा लेबलिंग और कर लो इस वाले पिक्चर में,
ताकि आपको बिल्कुल क्लियर रहे, ये वाला जो बाहर की तरफ पार्ट है दिस इज द पेरिओस्टियम, ये पेरिओस्टियम है। और ये जो अंदर की तरफ वाल है, ये जो अंदर की तरफ वाल है ये है आपका इंडोओस्टियम, ठीक है, इंडोओस्टियम। तो आप समझ सकते होगे कि ये जो बाहर का मैं पिक्चर बना रहा हूं ये पूरा का पूरा आपका पेरिओस्टियम है। और पेरिओस्टियम में नीचे की तरफ सेल्स दिखेंगी आपको यहां पे, कौन सी सेल है बताओ? दीज आर ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है, तो एक्चुअली जो कार्टिलेज का आप अगर नोट करके लिखना चाहो तो लिख लो, जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज की जो ग्रोथ है वो यूनिडायरेक्शनल है, यूनिडायरेक्शनल। पिक्चर जाके देखो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, वो ग्रोथ यूनिडायरेक्शनल है। जबकि जो बोन्स है, बोन्स की जो ग्रोथ है वो बाई डायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल है। आप पिक्चर देखो, पिक्चर देख के अगर समझ में आता है तो मुझे बताओ कैसे मैं बोल रहा हूँ कि उसमें यूनिडायरेक्शनल है इसमें बाई डायरेक्शनल है, दोनों? नहीं, ये तो बात नहीं है, कुछ और है, देखो कुछ और है उसमें। अरे मैंने यहां पे अच्छा लिखा नहीं है क्या? चलो ठीक है, अभी बता तो दिया ही था कि ये कौन सी सेल है, ऑस्टियोब्लास्ट। इधर से भी ग्रो करेगा, दोनों तरफ से ऑस्टियोब्लास्ट है तो दोनों तरफ से सेल्स ग्रो करेंगी ना, ठीक है, दोनों तरफ से सेल्स ग्रो करेंगी। सेल्स मतलब जो है क्या कहते हैं, जो बोन की ग्रोथ है वो इधर से भी होगी इधर से भी होगी। ये जो अंदर का पार्ट दिख रहा है ये क्या है? मैरोकैविटी, ये वाला पार्ट है मैरोकैविटी, ठीक है। बाहर से पेरिओस्टियम, फिर बीच में जो है पूरा बोन का मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स में जितनी भी चीजें आती हैं वो सब मैं अभी बता दूंगा बीच वाले पार्ट में, ठीक है। फिर ये इंडोऑस्टियम, इतना तो लिखा ही है ना। पेरिओस्टियम के नीचे भी आपको जो है ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स दिख रही हैं, इंडोऑस्टियम के ऊपर भी आपको क्या दिख रही है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स। ये सिक्रीट करेंगी कुछ कुछ, ठीक है, क्या क्या सिक्रीट करेंगी? एक मैट्रिक्स सिक्रीट करेंगी, दूसरा मैट्रिक्स सिक्रीट करेंगी, और क्या सिक्रीट करेंगी? ऑस्टियोसाइट सिक्रीट करेंगी। तो चलो ऑस्टियोसाइट के पहले पिक्चर बनाओ, रेड ले लें, एक काम और कर दो, इन बिटवीन यहां पे कुछ रेड कलर से, यहां पे कुछ रेड कलर से ये बना दो आप, ये क्या है? वैसे तो कलर से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स। अरे कलर से नहीं बता सकते हो, मैं कलर कौन सा सेलेक्ट कर रहा हूं, ब्लड वेसल्स, मुझे आत्मसमर्पण किया हुआ है। चलो ठीक है, मुझे एक्चुअली चाहिए ये, जस्ट एक मिनट रुकना। क्या हो गया? नहीं वजह समझ पा रहा मैं। या तो आप लोगों के बोलने में कोई दिक्कत है या सुनने में कोई दिक्कत है, तुम लोग सेलेक्ट करो कौन सा। सुनने में दिक्कत है, मैं कितना तेज बोल रहा हूं ये नहीं ध्यान दोगे? अच्छा आप आपस में समझ जाते हो, भाई चारा इतना है कि बहन चारा है? ओहो चलो, बोलते समय आवाज बहुत क्लियर एंड वो होनी चाहिए, बस थोड़ा सा असभ्य नहीं लगना चाहिए, अदरवाइज बोलते समय बिल्कुल लगना चाहिए बंदा कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस में, ठीक है ना। आप लोग जब बोलते बाहर बोलने में तो सभी सारे लोग जो है बोल लेंगे, सड़क में चलते, सड़क में चलते ये थोड़ी होता है कि मुझे आसपास कोई देख रहा है, देखेगा भी तो फर्क क्या पड़ जाएगा, हाँ कौन सा पहचानता है।
चलो ठीक है, यहाँ पे अब हम सेल्स बनाएंगे। कौन से सेल्स? ऑस्टियोसाइट। तो यहाँ पे दो लेयर में सेल्स बनाना, इतना स्पेस रखना। और इसमें कुछ कुछ प्रोसेसेस निकाल दो। अगर पिक्चर ना बनाना हो तो कितना आसान हो जाए, बहुत टाइम टेकिंग है। अरे ज्यादा बातें मत करो, अच्छा नहीं लगता मुझे बिल्कुल से। ठीक है, तो ये जो सेल्स हैं आपकी, ये सेल्स हैं ऑस्टियोसाइट। इस सेल आपकी ऑस्टियोसाइट है, सारी पूरी लेयर है ऑस्टियोसाइट की। ठीक है, पूरी लेयर है। और यहां पे मैट्रिक्स भरा हुआ है, ये जो ब्लैक्स में बना रहा हूं ये मैट्रिक्स है। तो आपको इन सेल की वजह से, ठीक है, इन सेल की लेयर में फॉर्मेशन की वजह से आपको देखने को मिल रहा होगा कि बीच में ये कुछ स्पेस आ रहा है, बीच में कुछ स्पेस आ रहा है। ठीक है, ये जो कंसेंट्रिक लेयर्स हैं, अब ये तो दो चीजें बोल सकते हो कि या तो ये लेयर आप बोल सकते हो सेल की, या बोल सकते हो कंसेंट्रिक लेयर ऑफ मैट्रिक्स। तो स्पेशली बोलना कि ये जो कंसेंट्रिक लेयर ऑफ मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स इसको क्या बोलते हैं, नोन एज लैमिली। ठीक है, इसको आप लैमिली बोलते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया, यहां पे ये ओस्टियोसाइट मैंने बता दिया, जो बीच बीच में पार्ट है आपका, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है। ठीक है, वही मैट्रिक्स की कंसेंट्रिक लेयर्स जो बन रही हैं उन्हीं को लैमिली बोल रहे हो। ठीक है, उन्हीं को लैमिली बोल रहे हो। यहाँ पे कुछ कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि आपको इस पिक्चर में दिखाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, और जो विजिबल कैनाल आपको देखने को मिलती हैं उनको बोलते हैं हैवर्सियन कैनाल। और हैवर्सियन कैनाल बेसिकली लॉन्गिट्यूडिनल प्रेजेंट होती है, और उन्हीं हैवर्सियन कैनाल से ब्लड वेसल्स एंड नर्वस सिस्टम, जो आपका न्यूरॉन्स है, वो पास करते हैं। ठीक है, वो न्यूरॉन्स पास करते हैं। और ध्यान में रखना कि ये जो पेरी ऑस्टियम वाला पार्ट है, इसको छोड़ के आपको जो है अंदर कहीं पे भी वेस्कुलराइजेशन नहीं दिखेगा, कोई वेस्कुलर लेयर नहीं होगी। मतलब वो जो कैनाल है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, बेसिकली पेरी ऑस्टियम रीजन में प्रेजेंट है। अब थोड़ा सा देखो, यहाँ पे ये दो सेल्स में बना रहा हूं, पहले एक सेल्स में बना देता हूं आपके लिए। कौन सी सेल बना रहा हूं? ऑस्टियोसाइट, बोन सेल। ठीक है, ये सपोज करो आपका ऑस्टियोसाइट है, इसको जरा सा यहां से इस तरह से प्रोसेसेस निकाल दो, यहां से इस तरह से प्रोसेसेस निकाल दो इससे। ओके, और ये जो ऑस्टियोसाइट है, ये ऑस्टियोसाइट जैसे मैंने वहां पे बोला था लैकुने, लैकुने को क्या बताया था कार्टिलेज में, कि क्या है लैकुने? फ्लूइड फिल्ड कैविटी। फ्लूइड फिल्ड कैविटी को क्या बोलते हैं? लैकुने बोलते हैं। तो यहां पे बेसिकली इसके चारों तरफ इस तरह से आपको ये दिखेगा, इसको जरा सा और ठीक कर दो। इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका जो है ये कैनाली कुली है। अब कैनाली कुली कैसे अटैच होंगी? एक और जो है आपकी यहाँ पे प्रेजेंट होगी ऑस्टियोसाइट, और वो आपस में कनेक्शन बना रहे होंगे इस तरह से। अगर मैं यहाँ पे बना दूं आपके लिए एक और मैं ऑस्टियोसाइट बना दूं,
मेरे पिक्चर को देख के बहुत आहत मत होना, ओरिजिनल में देखोगे तो ये भी नहीं समझ में आएगा। हाँ सर, हेलो। हाँ बच्चे, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। आ तो रही है सर, वो खुद ही। अच्छा, इस तरह से ये जो है बेसिकली अटैच्ड होते हैं, तो ये जो अटैचमेंट है इसको बोलते हैं काइनाली कुली। ठीक है, ये बेसिकली ये जो भी पार्ट हैं ये सब प्रोसेसेस हैं। ठीक है, अंदर वाला पार्ट, इसको मैं और अंदर ले जा रहा हूँ। ठीक है, ये जो अंदर वाला पार्ट है ये सेल प्रोसेसेस है। सेल प्रोसेस, तो अकेले सेल प्रोसेस सिर्फ न्यूरॉन्स में नहीं प्रेजेंट होते हैं, ये आपको बोन सेल्स में भी, ऑस्टियोसाइट्स में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके पहले मैंने फाइब्रोब्लास्ट बताया था, फाइब्रोब्लास्ट ठीक है वहां पे भी देखने को मिलेंगे। तो ये बेसिकली आपकी जो सेल्स हैं ये ऑस्टियोसाइट हैं। ठीक है, ऑस्टियोसाइट में ये जो है, ये जो कनेक्शन स्टेब्लिश हो रहा है इसको कैनालिकुली बोल रहे हैं, और ये जहां पे प्रेजेंट है ये जो एरिया है इसको फिर से क्या बोलेंगे, लैकुने बोलेंगे, इसको फिर से लैकुने बोलेंगे। ठीक है, अब अगर यहीं पे देखो, अगर मैं लैकुने की बात करूं, लैकुने को तो मैंने आपको बोला था कि ये क्या है, फ्लूइड फिल्ड स्पेस है। ठीक है, अगर मैं इसको कार्टिलेज में बोल रहा हूं, तो कार्टिलेज में ये आपका जो है मे कंटेन मोर देन क्या लिख दूं, वन कॉन्डियोसाइट, कॉन्ड्रियो साइट। ठीक है, या कार्टिलेज सेल्स भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट ये जो बोन है, ये जो बोन है इसमें जो लैकुने होगा ओनली कंटेन वन सेल, सिर्फ एक ही सेल रखे गया उसके अंदर। ठीक है, और वो जो इनका आपस में जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है ये बेसिकली उसको क्या बोलते हैं, कैनालिकुली। ठीक है, उसको कैनालिकुली, दैट मींस कि यहाँ पे ये जो सेल्स हैं वो आपस में क्या है, ऑलमोस्ट कनेक्टेड है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन इनके बीच में एस्टेब्लिश है। मैं एक और चीज बताऊंगा आपको। ठीक हैवर्सियन सिस्टम, तो हैवर्सियन सिस्टम आपका कहां पे प्रेजेंट होगा, इन बोन्स में। एक आध बार पूछा है, वैसे तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर फिर भी एक आध बार पूछा है तो मैं बता दे रहा हूं। ठीक हैवर्सियन सिस्टम, इस हैवर्सियन सिस्टम में आपकी कैनाल प्रेजेंट है, और कैनाल में आपकी दो टाइप की कैनाल हैवर्सियन कैनाल, ओल्समैन कैनाल। ये लॉन्गिट्यूडनल रन होती है, प्रेजेंट लॉन्गिट्यूडिनली। ठीक है, और ये प्रेजेंट ट्रांसवर्सली। अभी अभी बताया कि जो ब्लड वेसल्स एंड न्यूरॉन्स हैं वो इन्हीं के थ्रू पास करती हैं, हैवर्सियन कैनाल। कैनाल क्या होता है, अगर यहां पे बात करोगे तो कैनाल से क्या जो है ट्रेवल करता है, वाटर। ठीक है, तो अगर आप ऑर्गेनिज्म के अंदर बात करोगे तो वहां पे ब्लड जो है, ब्लड वेसल्स वगैरह, न्यूरॉन्स वगैरह उससे पास कर रही हैं। अब यहां पे ही मैं बता देता हूं, सपोज करो ये एक आपकी हैवर्सियन कैनाल है, ये दूसरी हैवर्सियन कैनाल है। ठीक है, ये दूसरी हैवर्सियन कैनाल है, तो इन हैवर्सियन कैनाल को जो इस तरह से जोड़ रहा है, इन हैवर्सियन कैनाल को जो जोड़ रहा है बेसिकली, उसको क्या बोलते हैं, वोल्क्समैन कैनाल। ठीक है, तभी ये लॉन्गिट्यूडनल प्रेजेंट है, और ये कैसे प्रेजेंट है, ट्रांसवर्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी वोल्क्समैन कैनाल है, और ये वाली जो है ये दोनों ये आपकी हैवर्सियन कैनाल है। और मैंने कहां बताया कि हाइबरचन कैनाल एंड बोल्क्समैन कैनाल आपको किस रीजन में मिलेंगे, बोन को, पेरियोस्टियम रीजन में। ठीक
ठीक है, पेरियोस्टम। तो कैनाल मैंने बता दिया, इसके अलावा आपको लैमेली मिलेंगी। अभी अभी मैंने बताया कि लैमेली क्या होती है, कंसेंट्रिक लेयर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद आपको मिलेंगे कैनालिकुली। कैनालिकुली क्या है? जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है इन बिटवीन टू ऑस्टियोसाइट, ठीक है। कैनालिकुली मिलेंगे आपको, ऑस्टियो साइट्स मिलेंगी आपको, ठीक है। कितने होंगे? 3 to 5। इतने सारी चीजें आपको हेवर्सन सिस्टम में मिलेंगी, ठीक है। हेवर्सन सिस्टम में ये सारी चीजें आपको नजर आएंगी। तो यहां से बोन्स में सिर्फ एक चीज और बता देता हूं आपको, टाइप ऑफ बोन्स, ठीक है, ताकि आप जब स्केलेटल सिस्टम पढ़ो तो थोड़ा सा सुना सुना लगे चीजें। ये जो लिखा हुआ है लैकुनी के बारे में कि ये फ्लूइड फिल्ड स्पेस है, ठीक है, जिसके अंदर आपकी कार्टिलेज सेल्स या ऑस्टियोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टिश्यू की कार्टिलेज है या बोन है, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखना, उसको ध्यान में रखना, क्योंकि वो एनसीईआरटी का पॉइंट है। टाइप्स ऑफ बोन, टाइप्स ऑफ बोन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, शेप के बेसिस पे। तो पहला बोन एक बोल दो, क्या अभी तो बताया था, लॉन्ग बोन्स। एग्जाम्पल बताओ, ह्यूमरस, फीमर, ठीक है, दीज आर द लॉन्ग बोन्स। स्मॉल बोन्स, इररेगुलर बोन्स, और कोई बचता है? अरे बता दो, फ्लैट बोन्स। फ्लैट बोन्स, तो फ्लैट बोन्स तो आपको पता है कहां पे प्रेजेंट होते हैं, हेड। हेड में कौन सी बोन्स है? क्या बोलते हैं यार, क्रैनियम बोन्स। जो क्रैनियम में बोन्स प्रेजेंट है वो सारी फ्लैट बोन्स है। इररेगुलर बोन्स का नाम बता सकते हो? कोई इररेगुलर शेप में बोन हो, मुझे भी याद नहीं है। स्मॉल बोन का एग्जांपल लिखो पहले आप, वर्टिब्री। बच्चे मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, इतना मुझे याद रहता नहीं, मुझे जस्ट एक बार रुक जाओ, सही उल्टा कर दिया मैंने। जैसे ही मैंने वर्टिब्री लिखा था तभी मेरे को लग रहा था कुछ ये वर्टिब्री। आप शेप देखोगे ना वर्टिब्री का, तो कई सारी प्रोसेसेस निकली हुई होती हैं, ठीक है। स्मॉल बोन्स में आपको मिल जाएगा, हाँ उसको भी बोल सकते हो, छोड़ दो एग्जांपल, अभी मेरे दिमाग में आ नहीं रहा एग्जांपल, छोड़ दो इसको, बताता हूँ थोड़ी देर में। अच्छा वो नो डाउट स्मॉल बोन्स है, मुझे पता है, ठीक है, ईयर ऑसिकल्स में जो स्टेपीज वगैरह है, बट अभी उतना नीचे मत चले जाओ, उतना डीप में मत चले जाओ। स्मॉल बोन्स जो कॉमन है, मेरे दिमाग में आ नहीं रहा, मेरे पास आई थिंक डेटा भी नहीं है, बाद में बताता हूँ, थोड़ी देर रुको। सर वो मेटाकार्पल, कार्पल ओके सब उन्हें? यस, कार्पल, कार्पल, मेटाकार्पल्स जो भी लिखना चाहो। ऑन द बेसिस ऑफ शेप देख लिए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन देख लो, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेस पे आपको जो है थ्री टाइप्स की बोन्स मिलेंगी। एक आपकी कार्टिलेजनस बोन, यही इंपॉर्टेंट है, कार्टिलेजनस बोन्स। दूसरी है आपकी डर्मल बोन्स, डर्मल, और तीसरी बोन्स है आपकी सिस्मोइड।
ठीक है, तो ये जो कार्टिलेज बोन्स हैं कैसे बनती हैं, एक्चुअली क्या होते हैं कार्टिलेज, और कार्टिलेज के ऑसिफिकेशन से, ठीक है। तो आप यहां लिख सकते हो फॉर्म बाय कैल्सिफिकेशन, या ऑसिफिकेशन ही लिख दो, ऑसिफिकेशन ऑफ कार्टिलेज। और जो ज्यादातर बोन्स हैं, मोस्ट ऑफ द बोन्स बॉडी में, मोस्ट ऑफ द जो बोन्स हैं वो कैसी हैं, कार्टिलेजनस बोन है। तभी बोलते हैं कि जो एम्ब्रायो होता है या जो फीटस होता है, फीटस की जो मोस्टली बोन्स हैं, ठीक है, फीटस के अंदर वो सारी कार्टिलेज होते हैं पहले स्टार्टिंग में, ठीक है, फिर उनमें क्या स्टार्ट होता है, ऑसिफिकेशन स्टार्ट होता है, और उससे क्या बनती है, फिर कार्टिलेजनस बोन्स बन जाती है, ठीक है। डर्मल बोन्स यहां पे फॉर्म बाय मॉडिफिकेशन ऑफ या कैल्सिफिकेशन लिख सकते हो, कैल्सिफिकेशन ऑफ डर्मल टिश्यू, डर्मल टिश्यू, ठीक है। और एस्थीजमॉइड बोन आपको थोड़ी बहुत मिलेंगी, टेंडोन के उससे, ठीक है, तो लिख दो जरा सा यहां पे, आप लिख दो डर्मल बोन्स में स्कैपुल, स्कल, स्कल में जो बोन्स है, स्कल बोन्स या क्रैनियम बोन्स, ठीक है, स्कल बोन्स या क्रैनियम बोन्स। और सिजमॉइड बोन में लिख दो फॉर्म बाय ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडॉन्स, पूछेगा नहीं, पूछेगा अगर पूछेगा तो यही पूछेगा, ठीक है। एग्जाम्पल नी बोन, क्या बोलते हैं उसको, पटेला, जो कटोरी रखी हुई है, ठीक है, कहां पे, उसमें जॉइंट्स में, ठीक है, तो इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा। ये आपको बोन के टाइप्स में जो आपका स्केलेटल सिस्टम है वहां पे थोड़ा बहुत पढ़ने को मिलेगा, इसलिए मैंने उसको यहीं पे खत्म कर दिया, क्योंकि बोन्स पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि आपके बॉडी में जो बोन्स हैं वो मोस्टली बोन्स आपकी कार्टिलेजनस बोन्स हैं, ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ शेप, क्योंकि लॉन्ग बोन्स की बार बार बात होती है, तो तुमको पता होना चाहिए कि ये बेसिकली एक टाइप का है, जहां पे बड़ी बड़ी बोन्स हैं उनको लॉन्ग बोन्स बोल रहे हैं, एग्जाम्पल मैंने लिखा दिया है, ठीक है। तो ये पार्ट आपका मेरी तरफ से फिनिश हो चुका है। अब मुझे आपको पढ़ाने हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तो ब्लड एंड लिम्फ आपको मैं सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ाऊंगा, ओके। इसके बाद आपके बच्चे कौन से, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, तो मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू तो बहुत छोटा पार्ट है, उसका मेजर पार्ट प्रेजेंट ही वहीं पे है, तो वो सब वहीं पे मैं खत्म करूंगा। अब आते हैं कहां पे, कॉकरोच पे, एक एनसीईआरटी निकालो बच्चे, ऑनलाइन वाले सारे अपनी एनसीईआरटी ओपन करके बैठो, नहीं है, मैंने जब बोला था तो बड़े बोले, जोश में बोले थे, हाँ लेके आए हैं, तो आपके नीट के सिलेबस में यही एक ऑर्गेनिज्म है कॉकरोच, साइंटिफिक नेम आपको पता ही है इसका क्या है, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, ठीक है। बेसिकली ये अमेरिका की नेटिव स्पीसीज है, ठीक है, इसी वजह से इसको पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना बोल रहे हैं। जो इंडिया की स्पीसीज है कॉकरोच की, उसको क्या बोलते हैं, ब्लाटा ओरिएंटेलिस, ठीक है। इंडियन जो स्पीसीज है, इंडियन कॉकरोच स्पीसीज, उसको बोलते हैं ब्लाटा ओरिएंटेलिस।
ऑर्बिटा ओरिएंटेलिस। ओके, तो ब्लाटा ओरिएंटेलिस बेसिकली स्मॉल है, छोटा सा है, ये आपको दिख जाएगा, ये येलो कलर का होता है, ठीक है, दिख जाएगा घरों पे छोटा वाला काक्रोच। और जो बड़ा वाला काक्रोच है वो कौन सा है, पेरिप्लैनाटा अमेरिकाना, जिसको देख के लड़कियां स्पेशली डर जाती हैं। तुम लोग डरते हो कि नहीं, बॉयज की बात कर रहा हूं, मिला ही नहीं क्या काक्रोच आज तक, डरे नहीं, गर्ल्स कितनी डरती हैं काक्रोच से। एक्चुअली वो जब उड़ता है ना तो ऐसा लगता है पता नहीं कौन सा बड़ा जानवर आ गया, क्योंकि उसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है कि नहीं, बहुत एक्टिव होता है स्पेशली नाइट में। लिखने मत बैठो, लिखने का कोई मतलब नहीं है, एनसीईआरटी ओपन करो, एनसीईआरटी में बता रहा हूं चीजें मैं, ठीक है। आपको डार्क ब्राउन इन कलर, येलो और डार्क ब्राउन कलर का देखने को मिलेगा, येलो एंड डार्क, एनसीईआरटी ओपन किए रहो और पढ़ते रहो उसको साथ में, मैं बताऊंगा जब पढ़ना है, ठीक है। येलो एंड डार्क ब्राउन कलर का देखने को मिलेगा। साइज की अगर बात करोगे तो साइज में आपको ये आई थिंक 0.6 सेंटीमीटर टू 7.6 सेंटीमीटर या 1.4 इंचेस टू 3 इंचेस तक मिलेगा, एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ है 1.4 इंचेस टू 3 इंचेस। ये डेटा है एनसीईआरटी का, इसलिए आपको ये बिल्कुल मेमोराइज होना चाहिए, ठीक है। ये साइज जो है डेटा है एनसीईआरटी का। बच्चे आप में से किसी के पास नहीं है क्या, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट रहो उसमें, ठीक है, क्योंकि ये भी फैक्ट है कि क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, और ये भी दूसरा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि एनसीईआरटी के बाहर क्वेश्चन पूछता ही नहीं है, जो भी पूछेगा एनसीईआरटी से ही पूछेगा। पिछले साल आया है, कितने बच्चों को पता है कि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है पिछली बार, क्या पूछा था चलो, ये नॉक्टर्नल एनिमल है। अगर इनकी आप हैबिट की बात करोगे, हैबिट की बात, तो ये आपको कैसे होंगे, नॉक्टर्नल, ठीक है। नॉक्टर्नल इस वजह से है, ये लाइट का इफेक्ट नहीं है, ये किसका इफेक्ट है, बायोलॉजिकल क्लॉक का इफेक्ट, ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक, ठीक है। ये बायोलॉजिकल क्लॉक की वजह से होता क्या है कि इनकी फिजियोलॉजी, इंटरनल जो फिजियोलॉजी चल रही है उनके बॉडी में, वो नाइट के टाइम पे बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और दिन के टाइम में उनकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी स्लो हो जाती है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी हाई एट नाइट, किसकी वजह से, बायोलॉजिकल क्लॉक उनकी ऐसी सेट है, जैसे हमारी बायोलॉजिकल, वैसे कुछ लोगों का जो पढ़ने का टाइम होता है उनको रात में ही पढ़ने में मजा आता है, ठीक है। तो वैसे तो ये चेंज होता रहता है, जैसे आप चाहो, ह्यूमंस थोड़ा सा एक्सेप्शन है, ठीक है। बाकी जो अगर आप एनिमल्स में नेचुरल कंडीशन पे जाओगे तो वहां पे जो आपका कॉकरोच है वो नॉक्टर्नल है, ठीक है, और वो बेसिकली बायोलॉजिकल क्लॉक का इफेक्ट है कि उसमें फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी एट नाइट बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, ठीक है। दूसरा, अगर आप इसका इकोनॉमिक इफेक्ट देखोगे या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखोगे, तो ये है वेक्टर्स फॉर सम डिजीजेस, इसलिए इकोनॉमिकली भी जो है अफेक्ट करते हैं। जनरली आपको कहां पे देखने को मिलेंगे, आपके घरों में, ठीक है, डोमेस्टिक बोल सकते हो इनको, ठीक है। तो और ये सीरियस पेस्ट है, मतलब आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं ये, तो इससे ज्यादा एनसीईआरटी में और कुछ इंट्रोडक्शन में नहीं दिया हुआ है। अब आते हैं मॉर्फोलॉजी वाले पार्ट पे, ठीक है, मॉर्फोलॉजी वाले पार्ट पे आते हैं कॉकरोच की। मैंने पहले बता दिया कि जो आपकी इंडिया की नेटिव स्पीसीज है वो ब्लाटा ओरिएंटेलिस है, छोटा सा येलो कलर का होता है, और जो आपका जो पेरिप्लैनाटा अमेरिकाना है, जो बड़ा वाला है, वो डार्क ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी,
तो यहाँ पे जो भी चीजें डिस्कस करोगे वो सारी की सारी डिस्कस किसके रिगार्डिंग करोगे, पेरिप्लेनाटा अमेरिकाना के रिस्पेक्ट में करोगे, ठीक है। अगर इसका साइज अगर आप देख रहे हो तो 34 to 53 मिलीमीटर लॉन्ग दिया हुआ है, ठीक है, साइज 34 to 53 मिलीमीटर, ठीक है। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो इंचेस में, ध्यान में रखना इंचेस कितने सेंटीमीटर का या मिलीमीटर का एक इंच होता है, अप्रोक्सीमेटली 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है, 2.42 है शायद, ठीक है, एग्जैक्ट, तो 2.42 ये आपको जो है इससे मिल जाएगा। तो ये आपका जो एनसीईआरटी में डेटा दिया हुआ है, जो अमेरिकाना की साइज है वो 34 to 53 मिलीमीटर के बीच में आपको रेंज में दिखेगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि जो कॉकरोच है, ठीक है, उसका बॉडी 3 parts में डिवाइड होता है। कॉकरोच का जो बॉडी है वो 3 parts एज यूजुअल इंसेक्ट में जैसे होता है, ठीक है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है, एब्डोमेन, ये 3 parts में। और ये सारे के सारे जो मेजर पार्ट है ये पूरा पूरा सेगमेंटेड होता है, मतलब कॉकरोच का जो बॉडी देखने को मिलेगा वो कैसा देखने को मिलेगा, ढेर सारे सेगमेंट्स प्रेजेंट होंगे बॉडी में, ढेर सारे सेगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। और इसकी जो बॉडी है, जो उनका सेगमेंट है, सेगमेंट के ऊपर एक कवरिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो किसकी बनी हुई होती है, काइटिन की, ठीक है, काइटिन की। तो ये काइटनस कवरिंग प्रेजेंट है कॉकरोच के ऊपर, ठीक है, इसको आप एक्सोस्केलेटन भी बोलते हो, ठीक है, एक्सोस्केलेटन, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बोला कि जो कॉकरोच है, कॉकरोच में आपको सेगमेंटेड बॉडी देखने को मिलेगी, ठीक है, तो जब एम्ब्रायनिक स्टेज होती है और जब एडल्ट स्टेज होती है, ठीक है, एम्ब्रायनिक कितने सेगमेंट होते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं, एम्ब्रायनिक स्टेज एंड एडल्ट स्टेज। तो एम्ब्रायनिक स्टेज में आपको 6 आपको 3 मतलब कहने का कि ये आपका हेड है, हेड, ये आपका थोरैक्स है, ये आपका एब्डोमेन है, और यहां पे आपको 11 मिलेंगे, ठीक है, 11। और जो एडल्ट स्टेज है वहां पे ये 6 जो पार्ट है वो फ्यूज कर जाते हैं आपस में, ठीक है, ये 6 पार्ट फ्यूज कर जाते हैं तो कितना बना लेता है, 1 part, ठीक है, हेड का पूरा। और यहाँ पे जो 3 है ये 3 ही रहेंगे, और ये 11 किस में हो जाते हैं, कन्वर्ट 10 में, ठीक है। तो ये टोटल अगर एम्ब्रायनिक स्टेज में सेगमेंट देखोगे तो कितने होंगे, 20, और अगर आप एडल्ट स्टेज में टोटल सेगमेंट देखोगे तो कितने होंगे, 14। ध्यान में रखना, एक हेड का पार्ट, 3 आपका थोरेक्स का पार्ट, और 10 सेगमेंट आपके, 3 सेगमेंट आपको थोरेक्स में दिखेंगे, 10 सेगमेंट आपको दिखेंगे कहां पे, एब्डोमेन वाले में, एब्डोमेन वाले पार्ट में देखने को मिले, ठीक है, इसको भी दिमाग में रखना। अभी और एक चीज बताता हूं कि इस तरह से आपको कॉकरोच देखने को मिलेगा, मैं पूरा अभी नहीं बना रहा हूं, ठीक है, इस तरह से। तो ये तो हेड वाला पार्ट है, ये तो आपका हेड वाला पार्ट है, ठीक है, हेड के नीचे ये जो पार्ट है ये क्या है, थोरैक्स, और थोरैक्स के नीचे 10 सेगमेंट है, वो है आपका, आपका नहीं, कॉकरोच का, ठीक है, एब्डोमेन पार्ट है वो, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको मिलेगी काइटनस कवरिंग, ठीक है, काइटनेसियस कवरिंग मिलेगी। काइटनेसियस जो कवरिंग है वो हेड वाले रीजन में एक प्लेट बनाती है, उसको हमारे सिलेबस में नहीं है, ऑक्यूपेटल बोलते हैं उसको, वो ऊपर प्रेजेंट है उसके, हमको नहीं पढ़ना उसके बारे में, हमको पढ़ना है थोरैक्स वाले में, ठीक है। अब अगर सपोज करो कि मैं ये मोबाइल की बात करूं, ये मोबाइल सपोज करो ऐसे ही रहता है, ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, डॉर्सल, नीचे वाला वेंट्रल, और इसके इधर वाले लैटरल पार्ट, ठीक है। तो जब कवरिंग होगी तो कवरिंग चारों तरफ से प्रेजेंट है, कवरिंग चारों तरफ से प्रेजेंट है, और वो जो कवरिंग है वो हर एक सेगमेंट की जो कवरिंग है, हर एक सेगमेंट की, मैं अगर एक थोरेक्स के एक सेगमेंट की बात करूं, ठीक है, जो सेगमेंट के ऊपर काइटिनियस कवरिंग है उसको बोलते हैं स्क्लेराइट। ये पूछा गया है क्वेश्चन, इसको क्या बोलते हैं, स्क्लेराइट,
ठीक है, ये जो काइटनेसियस कवरिंग है, ठीक है, हर एक सेगमेंट की अपनी, उसको स्क्लेराइट बोलते हैं। अब स्क्लेराइट अगर डॉर्सल साइड पे है तो उसको स्टर्नाइट बोलते हैं, ठीक है। अगर वो वेंट्रल साइड पे है, ठीक है, लिख लो, अगर मतलब लिखना तो नहीं है, आप बाद में वीडियोस मिल जाएंगे तो आप कॉपी भी कर सकते हो, अभी बस कंसंट्रेट करो, ठीक है। डॉर्सल साइड पे होंगे तो उसको स्टर्नाइट बोलते हैं। अगर सॉरी, हाँ, टर्गाइट्स, ये टेरगा भी बोलते हैं, ठीक है। और वेंट्रल साइड पे है तो इसको क्या बोलोगे, स्टर्नाइट्स। और अगर लैटरल साइड पे है तो प्लूराइट्स, ठीक है, लैटरल साइड पे है तो इसको प्लूराइट्स। तो आपके एनसीईआरटी में सिर्फ ऊपर वाले दो है, ठीक है, डॉर्सल एंड वेंट्रल, लैटरल के बारे में नहीं बात किया, ठीक है। अब जो है यहां पे हर एक सेगमेंट में, मतलब तो ये तो सेपरेट सेपरेट आपके स्क्लेराइट है ना, अब जो सेपरेट सेपरेट स्क्लेराइट है वो एक मेम्ब्रेन से आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अगर जैसे मैं बता दूं कि ये आपका जो है ऊपर वाला एक जो है स्क्लेराइट है, उसके नीचे एक स्क्लेराइट है, उसके नीचे एक स्क्लेराइट है, तो ये आपस में एक मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होंगे, ये आपस में एक मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होंगे, इसको बोलते हैं आर्टिकुलर या ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, एम्स में पूछा गया है ये क्वेश्चन, इसको बोलते हैं आर्टिकुलर और ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन। सर और एक बार बोलिए। बच्चे आप एनसीईआरटी ओपन करके नहीं रखे हो क्या? यस सर। तो अगर एनसीईआरटी ओपन किए हुए तो आप जाके उसमें देखो, वहां पे मैं बताता हूँ, मॉर्फोलॉजी की लास्ट लाइन, ठीक है, दे आर ज्वाइंट टू ईच अदर बाई अ थिन एंड फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन और ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन, ठीक है, आर्टिकुलर और ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन, ये वाला, यही सारे क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछेगा, ठीक है, यही सारे क्वेश्चन पूछेगा कि डॉर्सल साइड पे टर्गाइट्स है, इसको टर्गा भी बोल देते हैं, ठीक है, स्टर्नाइट्स को तो ऐसे ही बोलते हैं, और लैटरल में प्लूराइट्स बोलते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा और मॉर्फोलॉजी पार्ट को डिस्कस करते हैं, हम मॉर्फोलॉजी पार्ट को थोड़ा सा और डिस्कस करें अगर हम, ओके, तो ये इसका हेड है, ठीक है, ये वाला पार्ट उसका थोरैक्स है और ये वाला पार्ट इसका पूरा एब्डोमेन है। हेड की पोजीशन देखो, मतलब बॉडी उसकी इस तरह से है और उसके साथ हेड ऐसे अटैच्ड है, कितने एंगल पे, 90 डिग्री पे, तो ये लाइन लिखी हुई है कि हेड का जो अटैचमेंट है बाकी पार्ट के साथ में वो 90 डिग्री पे है। इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोग्नैथस, हाइपोग्नैथस कंडीशन, ठीक है, जहां पे बॉडी पार्ट हेड के साथ में या हेड बॉडी पार्ट के साथ में 90 डिग्री, बच्चे उधर मत झाको, ठीक है, जो 90 डिग्री में अगर अटैच्ड है तो उसको बोलेंगे हाइपोग्नैथस कंडीशन। तो एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है कि हेड जो है वो 90 डिग्री में बॉडी के साथ अटैच्ड है, याद रखना। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज कि ये थोरैक्स वाला रीजन है, इस थोरैक्स का एक एक्सटेंशन है, अगर यहीं पे मैं आपको इस तरह से थोड़ा सा चेंज कर दूं तो इसका जो एक्सटेंशन है बिल्कुल पतला सा, ठीक है, इस तरह से बोल सकते हो, ये, ठीक है, तो ये जो एक्सटेंशन है इसको बोलते हैं नेक। ये किसका एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन ऑफ थोरैक्स, ठीक है, थोरैक्स का जो एक्सटेंशन है उसको नेक बोलते हैं, और नेक की वजह से, इस एक्सटेंशन की वजह से ये जो हेड है ये अपना जो है चारों तरफ घूम सकता है, ठीक है, पूरा का पूरा जो है किसी भी ओरिएंटेशन में हम तो इतना ही घुमा पाते हैं,
ठीक है, जैसे बर्ड्स नहीं पूरा घुमा लेती है अप्रोक्सीमेटली 36 डिग्री पे, सॉरी 360 डिग्री पे, तो वो जो है आपको यहाँ पे दिख जाए, यहाँ पे इस तरह से नेक का जो एक्सटेंशन है थोरेक्स का, जिसको आप नेक बोल रहे हो, ठीक है, वो उसकी वजह से वो घूम सकता है चारों तरफ। नेक कैसी है, बेसिकली फ्लेक्सिबल नेक है, ठीक है। इसका जो हेड रीजन है, हेड रीजन में कंपाउंड आइज पाई जाती है, इसको मैं जब नर्वस सिस्टम इसका पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं बताऊंगा, ठीक है। हेड में कंपाउंड आइज पाई जाती है, नंबर कितना है, 2 या बोल सकते हो 1 पेयर, ठीक है। इसके हेड रीजन से और क्या निकलते हैं, एंटीना, ठीक है। सर बहुत ज्यादा वॉइस हो रहा है, कंसंट्रेट नहीं हो रहा है, एंटीनी। और ये एंटीनी बेसिकली ये किस चीज के लिए प्रेजेंट हो गए होते हैं वहां पे, ये सेंसरी होते हैं, ठीक है, सेंसरी होते हैं। तो उसको जो है क्या कहते हैं, किसी भी चीज के बारे में जो एनवायरमेंट में हो रहा है, स्टिमुली जो भी मिल रही है उसको वो इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। मैं अभी बाद में फिर से पढ़ाऊंगा, मैं एक और चीज बताता हूँ। एक तो सेंसरी ऑर्गन इसके पास एंटीना में प्रेजेंट है, रिसेप्टर्स बेसिकली, ठीक है, रिसेप्टर्स आपके एंटीना में प्रेजेंट है। दूसरा, इसका जो 10th सेगमेंट होगा लास्ट में, एब्डोमेन का जो 10th सेगमेंट होगा, वहां पे भी जो है आपके एनल सरकाई, ये सरसाई जो भी आप बोलते हो, ये भी बेसिकली क्या है, ये भी रिसेप्टर्स है, यहाँ पे भी रिसेप्टर्स प्रेजेंट, ठीक है। ये स्पेशली साउंड को परसीव करते हैं, साउंड को परसीव करते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार हो सकता है फिर से आपको बताऊं, तो अभी आप ये देख लो कि जो हेड की जो कंडीशन है वो मैंने बता दिया आपको, थोरैक्स का जो एक्सटेंडेड पार्ट है उसको मैंने बोला कि इसको नेक बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, थोरैक्स को मैंने बोला था कि थोरैक्स इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, ठीक है, थोरैक्स इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। यहाँ पे वापस से इसको बोलते हैं, ये वाला पूरा थोरैक्स है, प्रोथोरैक्स, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मीजोथोरैक्स, और इसको क्या बोलते हैं, मेटाथोरैक्स, ठीक है। प्रोथोरैक्स से या इस तरह से बोलो कि इन तीनों पार्ट से आपको, इन तीनों पार्ट से आपको लैटरल अपेंडिजेस निकलेंगे, ठीक है, हर एक पार्ट से 1 पेयर, ठीक है। तो इन तीनों पार्ट से कितने पेयर निकलेंगे, 3 पेयर, ठीक है। अब जो मीजोथोरैक्स है, मीजोथोरैक्स से पहला विंग से राइज होगा, पहला विंग, फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स, ठीक है, फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स। और इस फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स को, फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स को क्या बोलते हैं, टेगमाइना शायद, ठीक है, या आप इसको बोल सकते हो फोर विंग्स, या फोर विंग्स, इसको या तो फोर विंग्स बोल सकते हो या इसको टेगमाइना बोल सकते हो। क्वेश्चन यहीं से पूछे गए, क्या हुआ यार, इतनी ज्यादा मक्खियां मेरे ऊपर ही चारों तरफ से, खुला रहेगा तब। चलो, मन लग रहा पढ़ने में, नहीं तुम्हारा तो मैं इधर बोल रहा था, वो हंस बहुत रहा है, क्या हुआ, क्या दिक्कत है, कंसंट्रेट करो बच्चे। मीजोथोरैक्स से विंग्स से राइज हो रहा, फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स, जिसको टेगमाइना बोलते हैं या फोर विंग्स बोलते हैं, ठीक है। ये अपारदर्शी है, ओपेक, ठीक है, दिखता नहीं है इधर से उधर, मतलब अगर आप ऐसे करके देखना चाहो तो दिखेगा नहीं, ठीक है, ये ओपेक है। और इसका जो काम है वो प्रोटेक्शन है, मतलब
ओपेक है, प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन कैसे है, ये मीजोथोरैक्स से अराइज होता है, ठीक है, और ये पूरा इसका बॉडी कवर कर लेता है, एक इस तरफ से और दूसरा इस तरफ से, ठीक है। तो मीजोथोरैक्स से जो विंग निकल रहा है, जिसको टेग्मिना बोल रहे हो या फोर विंग बोल रहे हो, वो ओपेक है कलर में, कलर गलत बोल रहा हूँ, ओपेक है और आपका प्रोटेक्शन दिखता है। कलर इसका कैसा है, येलो है, कैसा है, ब्राउन कलर, ठीक है। हाँ ध्यान में रखना, ना याद रहे तो कॉकरोच को याद कर लेना, क्योंकि पेरिप्लेनाटा पढ़ रहे हैं तो दिखता ही वैसे ही है, डार्क ब्राउन कलर का, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स की बात बता दी मैंने। अब सेकंड पेयर ऑफ विंग्स, जिसको हाइंड विंग्स बोलते हैं, हाइंड विंग्स, ठीक है, वो एराइज होते हैं, हाइंड विंग्स एराइज होते हैं, ठीक है। और हाइंड विंग्स का जो फंक्शन है वो बेसिकली फ्लाइट है, उड़ने में हेल्प करता है। आपको भी चाहिए था एक ऐसे ऐसे करके उड़ते फिर नहीं, कभी सपने में देखते हो कि नहीं उड़ रहे हो, किसी बच्चे ने नहीं देखा कि सपने में उड़ रहा है अच्छा बिल्डिंग से कभी कभी ऐसा हुआ है कि एग्जाम के ये दो दिन पहले रात में सो रहे हो और लग रहा है कि मेरा एग्जाम छूट गया, वो स्ट्रेस का रिजल्ट। ये विंग्स जो बिल्डिंग से गिरना है ना, तो बिल्डिंग से तुम गिर रहे हो, गिर रहे हो, गिर रहे हो, अभी नीचे पहुंच नहीं रहे हो, यही होता है ना। अच्छा तब तो तुम ना कोई वो सर्कस में जाके ना, अच्छा चलो आगे बढ़ते, नहीं तो तुम मुझे मूवी दिखाते रहोगे। टाइम कितना हुआ है, 12:55, अभी हमारे पास कितने मिनट है, 30 मिनट। क्लास स्टार्ट हुई है 20 पे, मैंने छोड़ना था अभी है, मुझे मतलब नहीं है इससे। चलो अभी कंसंट्रेट करो इधर, मैंने बोला ना कि ये जो विंग्स है आपका हाइंड विंग्स, ये फ्लाइट में हेल्प करता है और ये बेसिकली आपको ट्रांसपेरेंट होता है, ये ध्यान में रखना बच्चे। ये क्वेश्चन अगर उसको परेशान करना होगा बच्चे का ना, तो सीधे कलर पे क्वेश्चन पूछेगा, मतलब ये ओपेक है और वो आपको जो है ना मैचिंग टाइप का क्वेश्चन अगर बना दिया ना, तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, ठीक है। तो याद रखना कि ये चूंकि पूरे बॉडी को, मीजोथोरैक्स बड़ा है, लार्ज साइज का विंग है, पूरे बॉडी को कवर कर रहा है, ठीक है, वो ओपेक है, ठीक है। और जो छोटे वाले विंग्स हैं, हाइंड विंग्स, जो कि उड़ने में हेल्प करते हैं, स्मॉल साइज के हैं, ठीक है, ये स्मॉल है किसके कंपेयर में, आपके मीजोथोरैक्स वाले जो विंग है, जो है फोर विंग के कंपेयर में। तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी अपेंडेजेस निकलते हैं वो बेसिकली थोरैक्स से निकलते हैं, ठीक है, इसके एब्डोमेन से कोई, एब्डोमेन से कोई लेटरल अपेंडेजेस नहीं एराइज होता है, ठीक है, एब्डोमेन से नहीं निकलेगा, जो भी निकले थोरैक्स से निकले। ओके चलो, तो मॉर्फोलॉजी में मुझे लग रहा है कि ये एक पार्ट मैंने खत्म कर दिया है। और एक पॉइंट बताता हूं, उस समय मैं जब एंटीना बता रहा था तो मैं बताना भूल गया था, ये जो एंटीना है, इसके जो निकलते हैं ये एंटीना, ये मेम्ब्रेनस सॉकेट से निकलते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेनस सॉकेट, वहां से एराइज होते हैं। तो ये भी याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो एंटीना एराइज हो रहे हैं हेड में, वो कहां से एराइज हो रहे हैं, वो एक मेम्ब्रेनस सॉकेट है जहां से, और उस मेम्ब्रेनस सॉकेट के साथ पूरा नर्वस सिस्टम अटैच होता है। जब मैं आपको नर्वस सिस्टम बताऊंगा, तो नर्वस सिस्टम चूंकि कॉकरोच में नर्वस सिस्टम काफी डेवलप है, ठीक है, तो वो बेसिकली नर्वस सिस्टम से पूरी तरह से अटैच्ड है, तभी वो सेंसरी काम कर रहा है, ठीक है। इसके इसके जो एंटीना है, एंटीना में कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो डिफरेंट टाइप की स्टिमुली को परसीव करती है, ठीक है। साउंड के परसीव करने के लिए मैंने पहले ही बता दिया है, साउंड के परसीव करने के लिए जो उनका लास्ट सेगमेंट है उसमें एनल सर्काई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आते हैं थोड़ा सा माउथ पार्ट पे इसके। और इसको वैसे तो अगर लिखना चाहते हो तो बाद में लिख लेना, बट बेटर है कि इसको एनसीईआरटी से याद करना, एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाएगा कुछ चीजें, हालांकि मैं जरूर एनसीईआरटी के बियॉन्ड ले जा रहा हूं, एक बार जाके वीडियो देख लेना अगर लिखना है तो। ओके आते हैं माउथ, इंपॉर्टेंट है इसका। जो माउथ है बेसिकली वो बाइटिंग एंड चेविंग टाइप का है, बाइटिंग एंड चेविंग टाइप का।
मुझे जहां तक है कि जब मैं आपको आर्थ्रोपोड्स पढ़ा रहा था तो मैंने वहां पे आपको कुछ डिफरेंट इंसेक्ट में माउथ पार्ट्स किस टाइप के हैं वो लिखाया था मैंने, नहीं? चलो ठीक है, तो इसको तो याद ही रखना, इसको याद रखना। जैसे सकिंग टाइप का किसका होता है, सक करना, हाउस फ्लाई, वो कुछ कुछ फूड पे बैठती है तो सक करती है वो न्यूट्रिशन को, ठीक है, उसका सकिंग टाइप का। इसका कैसा है, बाइटिंग एंड चेविंग टाइप का, ठीक है। इसके माउथ में फाइव पार्ट्स आपको नजर आएंगे, माउथ में फाइव पार्ट्स नजर आएंगे, ठीक है। कौन कौन से पार्ट हैं? एक तो है अपर लिप, अपर लिप को आप क्या बोलते हो, लैब्रम, लैब्रम। नंबर कितना है, वन, ठीक है, पेयर नहीं, सिंगल, ठीक है। फिर दूसरा है लोअर लिप, लेबियम, और इसका भी नंबर कितना है, वन, ठीक है। बच्चे ऑनलाइन आप लोगों को सुनाई दे रहा है? यस सर, ठीक है। तो इसके बाद आपको वन पेयर आपको क्या मिलेंगे, मैक्सिली या मैक्सिला बोल लो या मैक्सिली बोल लो, ठीक है, वन पेयर होंगे, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या मिलेंगे, मैंडिबल, इनका भी नंबर कितना होगा, वन पेयर। तो हो सकता है आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन बता दे कि अपर लिप, लोअर लिप्स, मैक्सिला, और एक और है जो बीच में प्रेजेंट है, जो सिमिलर किसके है, टंग के, जिसको क्या बोलते हैं, हाइपो, हाइपोफेरेंस, ठीक है, टंग के सिमिलर है ये, ठीक है। तो ये फाइव पार्ट है, तो वो आपसे पूछ सकता है, वो आपसे पूछ सकता है कि कौन सा नंबर, कितना नंबर प्रेजेंट है उसके अंदर, ठीक है, वन वन टू टू वन, इस तरह से, ठीक है, वन वन टू टू वन, इसी तरह से याद रखना, अपर लिप, लोअर लिप, मैक्सिला, मैंडिबल एंड हाइपोफेरिंग्स। ये जो हाइपोफेरिंग्स है, ये बेसिकली मिडिल पार्ट पे, मतलब ये पूरे के पूरे जो माउथ पार्ट है, ये एक टाइप की कैविटी क्रिएट कर लेते हैं, एक टाइप की, चारों तरफ से, ऊपर से जो है आपका अपर लिम दिख जाएगा, नीचे से पहले आपको मैक्सिला दिखेगा, फिर मैंडिबल, में थोड़ा सा सेवर नहीं हूं, ठीक है, इस तरह से, और नीचे आपको लोअर लिप दिखेगा उसको, ठीक है, बीच में आपको इस तरह से हाइपोफायरिंग्स दिख जाएगी, ठीक है, हाइपोफायरिंग्स दिख जाएगी। इसी हाइपोफायरिंग्स में आपकी स्लेवरी ग्लैंड्स ओपन होती है आगे, ठीक है, स्लेवरी ग्लैंड्स यहाँ पे ओपन होती है हाइपोफायरिंग्स में, और ये सिमिलर है टंग के, ठीक है। आप अपनी टंग को ऑब्जर्व करो तो स्लेवरी ग्लैंड्स आपके टंग में कहीं पे ओपन होती है, जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है, कि वहां पे आके उसके पास में, जॉस के पास में आपके जो है स्लेवरी ग्लैंड्स ओपन होती है, तो वैसे ही यहाँ पे भी है, ठीक है। इसी वजह से इसको हाइपोफेरिंग्स बोल रहे हैं, टंग के सिमिलर है ये, ठीक है। आप अपने एनसीईआरटी में पिक्चर देख लेना, मुझे जरा सा एक मिनट दो। मैंडिबल, मैक्सिला, मैंडिबल ऊपर है, मैक्सिला नीचे, ठीक है, ये वाला मैंडिबल है, मैंडिबल, और ये मैक्सिला है। मैक्सिला का पिक्चर देखना है आप एनसीईआरटी में, फोकस करो मैक्सिला के पिक्चर में, ठीक है। वो आपका कुछ इस तरह से पार्ट है, इस तरह से है कुछ, है कि नहीं। उसमें ऊपर की तरफ वाला ग्राइंडिंग रीजन है, नीचे की तरफ वाला कौन सा रीजन है, देख लो, इंसिसिंग रीजन, ठीक है। इंसिसन मतलब काटना, अगर उसको फूड को काटना होगा तो कौन सा रीजन इस्तेमाल करेगा वो, ये वाला, ठीक है, इंसिसन रीजन, और अगर उसको ग्राइंड करना होगा तो कौन सा रीजन यूज करेगा, ठीक है, ग्राइंडिंग रीजन। मैंडिबल है बच्चे, मैं मैंडिबल ही तो बोल रहा हूं। अच्छा, यहां मैक्सिला लिख दिया क्या, मैंडिबल में यहाँ पे लिख के आया था, उसी को पता नहीं नीचे मैंने कब मैक्सिला लिख दिया, मुझे खुद ही नहीं पता चला। चलो थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं, ठीक है। माउथ पार्ट्स मैंने फिनिश कर दिया है आपका। अच्छा बच्चे, अभी बहुत पार्ट खत्म करना है मुझे, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम। कल से, अच्छा कल तक, मुझे लगा कल सैटरडे तो नहीं है, जब बोल दो कि कल से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिस्टम नहीं खत्म करूंगा, ये कुछ एनाटॉमी का पार्ट है, वो खत्म कर दूंगा, एनाटॉमी कह रहा हूँ, मॉर्फोलॉजी में अभी इसके सेगमेंट्स में कुछ कुछ चीजें हैं, वो चीजें मुझे फिनिश करनी, हालांकि मुझे डाइजेस्टिव सिस्टम एटलीस्ट फिनिश करना चाहिए था,
टाइम थोड़ा ज्यादा तेजी से चलता है, इसको इतना ही सिंपलीफाई, इसको इसी तरह से बना लेना ठीक है, क्योंकि ज्यादा उसके पिक्चर के चक्कर में पड़ोगे तो नहीं समझ में आएगा। हाँ, उसका पिक्चर एनसीईआरटी में देखते रहना कि किस तरह का बना हुआ है। ये याद रखना कि ये अपर पार्ट है, ये लोअर पार्ट है, ये मैंडिबल है और ये मैक्सिला है ठीक है। मैक्सिला में इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स निकले हुए हैं ठीक है, और ये हाइपोफेरिंग्स है जहां पे सलाइवरी ग्लैंड्स आती हैं। नहीं पूछेगा इसके बियॉन्ड कुछ भी, बस पिक्चर को थोड़ा सा ध्यान में रखना। एनसीईआरटी में मैं बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी में आप पिक्चर देखना, जैसे कि हेड रीजन का पिक्चर एनसीईआरटी ने बना के रखा हुआ है ठीक है, और हेड रीजन में जो एंटीने हैं, एंटीने के ऊपर ऑसिलस एक स्ट्रक्चर है ठीक है, कंपाउंड आइज के पास में, देख लेना उसको। मन नहीं लगता तुम्हारा पढ़ने में कि लगता है? चलो पैराग्राफ देखो आप, पेज नंबर 112 में, 112 में उसका लास्ट पैराग्राफ देखो। ठीक है, उसके लास्ट पैराग्राफ में आप देखोगे उसने बोला है कि एब्डोमेन में उसके 10th सेगमेंट है, जो मैं पहले ही बता चुका हूं, 10th सेगमेंट है वहां पे ठीक है, और 10th सेगमेंट में जो मेल एंड फीमेल है उनमें वेरिएशन है ठीक है, मेल एंड फीमेल में वेरिएशन है ठीक है। जो फीमेल है उसका जो 7th सेगमेंट है, देखो उसमें लिखा हुआ है फीमेल है जो उसका 7th सेगमेंट है, किसका? 7th सेगमेंट ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन इन केस ऑफ फीमेल, वो बोट शेप्ड है, बोट शेप्ड ठीक है, और वो बोट शेप्ड बड़ा है, और वो 8th 9th एंड 10th को अप्रोक्सीमेटली, 8th 9th को कंप्लीटली और 10th को हाफ कवर कर लेता है ठीक है, 8th 9th और 10th को कवर कर लेता है ठीक है। तो 7th 8th 9th इनके साथ कंबाइंड मिलके क्या बनाता है? जेनेटिक पाउच ठीक है, या जेनाइटल पाउच, जेनेटिक गलत हो गया, जेनाइटल लिख लो इसको, जेनाइटल पाउच ठीक है। और इस जेनाइटल पाउच के कौन कौन से पार्ट है यहां पे देखो जरा सा, एंटीरियर पार्ट ऑफ फीमेल, गोनोफोर, स्पर्मेटिकल पोर्स एंड कोलैटरल ग्वाड, मतलब ये जो पूरा पाउच टाइप का इस तरह से बोट टाइप का जो स्ट्रक्चर बनेगा इस तरह से ठीक है, और पीछे की तरफ उसका अपना 10th सेगमेंट है, तो इसका जो एंटीरियर पार्ट है ये वाला पार्ट, इसमें ये सारे के सारे रीजन प्रेजेंट होंगे, कौन कौन से? आपके जो है गोनोपोर, स्पर्मेटिकल पोर एंड कोलैटरल ग्लैंड्स ठीक है। ये पिक्चर आपको तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब आप इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखोगे ठीक है, पर ये याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फीमेल का 7th सेगमेंट है एब्डोमिनल रीजन का ठीक है, जो कि बोट शेप्ड है, 8th 9th के साथ मिलके, 8th एंड 9th के साथ मिलके जेनेटिकल पाउच बनाता है, सॉरी जेनाइटल पाउच बनाता है ठीक है। जेनाइटल पाउच में आपके गोनोपोर, स्पर्मेटिकल पोर एंड लैटरल कोलैटरल ग्लैंड्स प्रेजेंट है, कोलैटरल ग्लैंड्स, उनके फंक्शन क्या है वो सब आप जब उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ोगे तब पता चल जाएगा ठीक है। इसी तरह से जो आपका मेल है ठीक है, मेल का जो 9th वाला सेगमेंट है, 9th सेगमेंट ठीक है, उस 9th सेगमेंट से एक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको बोलते हैं एनल स्टाइल ठीक है। ये सिर्फ कहां पे प्रेजेंट है? ओनली इन मेल, और ये हेल्प करता है ड्यूरिंग कपुलेशन ठीक है, क्लैस्प करने में हेल्प करता है, कपुलेशन में हेल्प करता है। तो एनल स्टाइल इज ओनली प्रेजेंट इन केस ऑफ मेल, सिर्फ मेल में प्रेजेंट है ठीक है। पिक्चर अगर आप देख रहे होगे, आई डोंट नो इधर पिक्चर है कि नहीं है, यहां पे नहीं, यहां पे नहीं है, आपके एनसीईआरटी में नहीं है, पर ये जरूर लिखा हुआ है ठीक है, तो अब ध्यान में रखना इस चीज को कि 9th नहीं, यहां पे बच्चे इस चीज के बारे में मेंशन नहीं है, आप इसको अपने एनसीईआरटी में मेंशन करो जरा, इंपॉर्टेंट है
मेल में 9th सेगमेंट में एनल स्टाइल प्रेजेंट, ये पूछा लिखा है। अच्छा अच्छा ओके हाँ ठीक है। तो यहाँ से मैंने आपका ये पार्ट खत्म कर दिया है जो मॉर्फोलॉजी है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी खत्म कर दी और मैंने जितने पार्ट आपको एक्सप्लेन किए हैं उनको ध्यान में रखना। कोई भी पार्ट आपसे छूटा तो क्वेश्चन तो कहीं से भी दे सकता है, क्वेश्चन ये कहीं से भी दे सकता है आपके एनसीईआरटी के अंदर से, बाहर से नहीं जाएगा। कितना टाइम हुआ है अभी? अरे वो एक्स्ट्रा कहाँ हुआ है? आप लोग, मैं कब आया हूँ? 50 पे आया हूँ, मैं कैसे मान लूँ कि वो एक्स्ट्रा हुआ है? चलो चुपचाप पढ़ते रहो। बच्चे सिलेबस फिर बाद में बोलोगे सिलेबस पीछे है, जबकि मुझे पता है जितने स्पीड से जितने लेक्चर्स में मैंने लिए हैं मैं सिलेबस में आगे बढ़ चल रहा हूँ अपने लेक्चर के अकॉर्डिंग। चलो तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो कॉकरोच का है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स, ठीक है। कौन कौन से पार्ट हैं? फोर गट, मिड गट एंड हाइंड गट, ये 3 पार्ट्स हैं उसमें, ठीक है। 3 पार्ट्स हैं, फोर गट, मिड गट एंड हाइंड गट। अब इसको मैं आगे बताना स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं, ठीक है। एक चीज ध्यान दो कि जो कॉकरोच का बॉडी वॉल है एंड बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी को क्या बोलते हो? सीलोम बोलते, ठीक है। तो बॉडी वॉल में तो एक तरह से मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर आपने रिविजन किया हुआ है एनिमल किंगडम का अर्थोपोड्स में, ठीक है। तो जो बॉडी वॉल है उसमें सबसे बाहर की तरफ एक्सोस्केलेटन है जो कि काइटिन का बना हुआ है, ठीक है, काइटिन का बना हुआ है। इसके बाद में आपको क्या देखने को मिलेगी वहां पे? सर्कुलर मसल्स, ठीक है, सर्कुलर एंड या सीधे लिख दो मस्कुलर पार्ट, ठीक है, मस्कुलर, दोनों टाइप की मसल्स मिल जाएंगी वहां पे। और फिर आपको एपिडर्मिस, या एपिडर्मिस में गलत बोल रहा हूँ बच्चे, एपिथीलियम, वो भी किस टाइप की एपिथीलियम? स्क्वैमस एपिथीलियम मिलेगी लास्ट पार्ट, ठीक है। अब बॉडी वॉल चारों तरफ से है, ठीक है। तो इसकी जो बॉडी कैविटी है, आपको पता है कि जो आर्थ्रोपोड्स हैं वो ट्रू सिलोमेट्स हैं, ठीक है, ट्रू सिलोमेट्स हैं। बट होता क्या है कि जो इसकी बॉडी कैविटी है, ट्रू बॉडी कैविटी, वो रिड्यूस हो जाती है, ट्रू बॉडी कैविटी रिड्यूस हो जाती है और वो गोनोसील बना लेती है जाके, गोनोसील। और उस गोनोसील में उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, गोनोसील बना लेती है जाके, ठीक है। और जो है उसका जो बाकी पार्ट है, जैसे ये, जैसे यहाँ पे मैं आपके लिए काकरोच बनाऊं, ये उसका हेड है, ये उसका थोरैक्स है, ये उसका एब्डोमेन है, ठीक है। और एब्डोमेन में जो है क्या कहते हैं, मैं क्या बोल रहा हूं कि जो उसकी बॉडी कैविटी है, मेन बॉडी कैविटी, वो क्या कर गई है? वो रिड्यूस कर गई है, ठीक है। उसने क्या बना लिया? गोनोसील। तो बाकी की जो बॉडी कैविटी है उसी को आप किस नाम से जानते हो? ठीक है, हीमोसील। एक्चुअली ये बॉडी कैविटी नहीं है, ये क्या है? एक जो है साइनसिस है, एक खाली स्पेस है जहां पे क्या भर गया है? उसका बॉडी फ्लूइड भर गया है, ठीक है, उसका बॉडी फ्लूइड भर गया है, उसका बॉडी फ्लूइड भर गया, इसी को बोलते हैं हीमोसील। और हीमोसील के अंदर क्या भरा हुआ होता है? उसका बॉडी फ्लूइड, जिसको क्या नाम देते हैं? हीमोलिम्फ, ठीक है। तो ध्यान में रखना कि जो उसकी ट्रू बॉडी कैविटी है वो क्या है? रिड्यूस्ड है। उसकी जो ट्रू बॉडी कैविटी है वो रिड्यूस्ड है, ठीक है, रिड्यूस्ड हो गई है। रिड्यूस करके वो इतना छोटा हो गया है कि वो गोनोसील बना लिया है, उसमें सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट, ठीक है। जो उसका खाली स्पेस है उसको हम हीमोसील के नाम से जानते हैं, उसमें हीमोलिम्फ भरा हुआ होता है, ठीक है, उसके अंदर हीमोलिम्फ भरा हुआ है। और वहीं से बेसिकली ये जो आप इसका जो
डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पास करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम इसका पास करेगा। जो फोर गट, मिड गट एंड हिंड गट वाले पार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। ये इसका माउथ है, ठीक है। माउथ से फिर उसका जो है आपका सबसे पहले क्या पड़ेगा, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के बाद उसका फेरिंग्स पड़ेगा, फेरिंग्स के बाद फिर क्रॉप एंड गिजर्ड्स पड़ेंगे, और क्रॉप एंड गिजर्ड्स के बाद में फिर उसके जो है मिडगट वाला पार्ट पड़ेगा, मिडगट वाला पार्ट, और फिर हाइंडगट वाला पार्ट पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। क्यों? क्योंकि इसमें कई सारे स्ट्रक्चर है। एक तो क्रॉप एंड गिजर्ड, ठीक है, क्रॉप स्टोरेज का काम करता है, जैसे हमारा स्टमक करता है, ठीक है। और जो गिजर्ड है वो क्या करता है, काटता है उसको, ठीक है, ग्राइंडिंग का काम करना बोल सकते हो, ठीक है, उनको ग्राइंड करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ काइटनेस टीथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर जो उसका हाइंड मिड गट है, मिड गट या ये बोलो कि जो फोर गट एंड मिड गट की जो ज्वाइनिंग है, जंक्शन है, उस जंक्शन पे कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। 16 to 15 पेयर्स ऑफ क्या बोलते हैं थीका, गैस्ट्रिक थीका, ठीक है, गैस्ट्रिक थीका प्रेजेंट है, ठीक है। और गैस्ट्रिक थीका ही नाम है ना उसका, हिपेटिक सी नहीं बेटा, ठीक है, गैस्ट्रिक तो ठीक है, सीका है, नॉट थीका, गैस्ट्रिक सीका या हिपेटिक सीका, ठीक है। और इसी तरह से जो मिड गट और हाइंड गट का जंक्शन है, यहाँ पे कुछ मेल्पिगियन टिब्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे कुछ मेल्पिगियन टिब्यूल्स प्रेजेंट है। तो मैं अभी पिक्चर में बताता हूं, मैं तो आपको इसलिए खींच ले गया था कि यहाँ पे जो ट्रू बॉडी कैविटी है वो रिड्यूस्ड है, ठीक है, वो गोनोसिल के फॉर्म में है। तो जो इसका खाली स्पेस है, खाली स्पेस बेसिकली हीमोसिल कहलाता है। हीमोसिल्स में आपका जो हीमोलिम्फ भरा हुआ होता है, मैं यही बता दूं आपका कि हीमोलिम्फ में हीमोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं। हीमोसाइट साइट जहां पे लग जाए दैट मीन्स कि उस सेल है, ठीक है। और हीमोसाइट बी में भी किस तरह की सेल्स है, ये डब्ल्यू बी सी, मतलब कहने का कि इनमें आरबीसी अब्सेंट है, आरबीसी इनमें absent, ठीक है, इनमें हीमोग्लोबिन, आरबीसी absent तो क्या absent, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन absent तो क्या हो गया, colorless, ठीक है। मतलब कि जो इसका फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड है हीमोलिम्फ, वो कैसा है, कलर, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, कलरलेस, ठीक है। और जो हीमोलिम्फ है उसी में इसके जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, बॉडी टिश्यू हैं, वो फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है, और वहीं से वो डायरेक्टली अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं। मैं पहले ही एक चीज आपको बताता हूं कि जो इसका सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका सिर्फ एक फंक्शन है, पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, क्या उसका सिर्फ एक, नॉर्मली जो हमारे अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके दो फंक्शन है, एक बॉडी को टिश्यूज को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना और दूसरा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। बट यहाँ पे सिर्फ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है क्योंकि ऑक्सीजन डायरेक्ट बेसिकली स्पाइरिकल्स के थ्रू वो डायरेक्ट इसको मिल जाती है, ठीक है, वो डायरेक्ट जो है मिलती है, वो इस तरह से कोई सिस्टम नहीं है कि वो ब्लड के थ्रू हर एक टिश्यू पे जाए, नहीं, इसका सिर्फ काम है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो काफी थकान में महसूस कर रहे हो आप लोग, ऐसा है क्या, काहे का थैंक यू, मैंने कब बोला, चलो इतना परेशान हो तो छोड़ ही देता हूं, चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतने ही बच्चे, थैंक यू सर।